जय सियाराम, जय सियाराम। विधायक जी आस्था से। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से आई हूँ, पैदल यात्रा कर रही हूँ। आज मुझे 15 दिन हो गए, लेकिन मैंने ना एक न्यूज सुना है जो हमारे आराध्य है प्रभु श्री राम जी के बारे में, वो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लोग बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक नेता है, एनसीपी के, जितेंद्र अवध करके नाम है। उन्होंने कहा कि जो प्रभु श्री राम जी है वो क्षत्रिय है, वो नॉनवेज खाते हैं। भाई आप खाते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपने भगवान से जोड़ दोगे। आपने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। हालांकि आपने माफ़ी मांगी है, वो माफ़ी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपने ऐसे वक्त पे बोला है कि 100 करोड़ से भी अधिक लोगों का आपने दिल तोड़ा है, ये माफ़ी तो कुछ भी नहीं है। हमारे आराध्य पूजनीय श्री राम जी के बारे में आपने ऐसा बोला है, आप किसी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आज मैं ऐसे वेशभूषा में बैठी हुई हूँ, हिजाब डाली हुई हूँ, मेरे गर्दन पे भगवा गमछा है और सर पे ये जो क्षत्रिय लोग पहनते हैं, राजपूत लोग ये जो साफा पहनते हैं, पगड़ी, वो पहन के मैं बैठी हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो आराध्य है पूजनीय श्री प्रभु राम जी वो क्षत्रिय है, हम भी मानते। लेकिन आपने जो शब्द जोड़े हैं उनसे कि वो नॉनवेज खाते थे, तो आप एकदम गलत हो। वो उस टाइम पे फल फ्रूट खाया करते थे, जंगल में उन्होंने अपनी जीवन बिता दी, 14 साल वो वनवास में थे मतलब। और आप इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। देश आपको माफ़ नहीं करेगा। आपकी माफ़ी मुझे बहुत छोटी लग रही है, ये कभी कभी नहीं निकलती है। हमने आपको देखा, आप एकदम 100% ऐसे करके बोल रहे थे मीडिया के सामने। आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हो कमेंट में बताइए। जय श्री राम। वाह, बधाई आपको। अरे मारे भैया, रहने वाली आप बड़ा ब्लॉग के लिए भी शूट कर रहे हैं, दो ही आया है यार, तुम लग ले लो। अरे लो ना, आप लो ना। नहीं लो। अरे आ रहा हूँ। अरे खाओ खाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या इंतजार कर रहे हैं ना, लो माला का। तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ इधर। और दुपट्टा लाओ, दुपट्टा का।
जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। चाय वाय चल रही है, प्रभु श्री राम कृपा पर बनी रहे और आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हो कि आप हमेशा इस यात्रा को हमेशा यादगार बनाए। जय जय श्री राम, जय जय सियाराम। जय श्री राम। तो ऐसा नहीं है, हम 22 के बाद भी पहुंचेंगे, कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन करके जाएंगे। जैसे कि आप पैदल यात्रा कर रहे हो, आपके साथ में क्या शासन प्रशासन का क्या योगदान है? बहुत योगदान है मुझे, मैं महाराष्ट्र से आ रही हूँ तो महाराष्ट्र में मुझे पुलिस सिक्योरिटी मिली, फिर एमपी में आई हूँ तो एमपी में भी सिक्योरिटी मिली, और अयोध्या जाऊँगी तो यूपी में एंट्री करूँगी तो वहाँ भी मिलेगी। बहुत बहुत अच्छा है, मतलब पुलिस वाले भी बहुत अच्छे, एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेले नहीं छोड़ते और कोई मेरे साथ चलता है, वो भी दूर करते हैं, मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी है, जो भाई साहब है वो बहुत अच्छे हैं। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। नाम क्या बताया? मेरा नाम शबनम शेख है। चलिए जय श्री राम। गणपति हनुमान हमने खाया, खाना उधर अभी नहीं खाना खाए होते, नहीं आप पेट भर के खाते हो, हमें नहीं पता था ना वो खाना हो गया था तब पता। दोस्तों अभी पूरी रात हो चुकी है, हम एक थाने से दूसरे थाने पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी देखिए, पुलिस वाले के पीछे कार, और जिस स्कूटी पे मैं बैठी हूँ नीचे, ये भी पुलिस वाले की है। अभी यहाँ से हमारा स्टे का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं पुलिस वाले, पीछे देख रहे हो पुलिस वाले, क्योंकि अभी पूरा अंधेरा हो चुका है और पूरा धुआं धुआं है, फॉग फॉग है। आज सुबह से धूप नहीं निकली है और हालत ख़राब है, मतलब इतना है कि थोड़ा गर्मी भी लगी, ठंडी कुछ ज़्यादा ही लगी गर्मी भी लगी, ठंडी भी लगी, सब कुछ लगी। बाकी अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा काँप रही हूँ, हाथ है ना पूरा सुन पड़ गया, और पैर भी। तो दोस्तों इतनी रात में भी लोग हमें पहचान रहे हैं, आप देख सकते हो इतने लोग हमें मिलने आए, और इतना अंधेरा है कि फ्लैश जलाना पड़ रहा है, नहीं तो हम पूरे धुंधले धुंधले और ब्लैक ब्लैक आएंगे। दोस्तों अंधेरा हो चुका है, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, अबे छोड़ दो स्टे का बता दो, हमारी ठंड से ना कुल्फी जम रही है भाई, बहुत ठंडी लग रही है, देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया है और रोड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ का तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरा ही इंटरव्यू देख रहे हैं, वो फैसला जो है मेरा ही न्यूज देख रहा है कि ये लड़की क्या बोल रही है। ये इधर भी पुलिस वाले गाड़ी है, ये भी इधर भी पुलिस वाले, अभी डिसाइड नहीं हो रहा कि हम कहाँ रहेंगे, इतनी रात हो गई मेरे को तो डर लग रहा है।